हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पे हम डीआरडीओ कोपा के बच्चों के लिए वीडियोस लेकर आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीपी और प्रिंटर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज सवाल बन सकते थे उन पर चर्चा की थी, और अब हम करने वाले हैं मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज सवाल। इन सवालों से रिलेटेड ये पूरी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ बोलना है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल अपना लिखकर पूछ सकते हैं। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ, द स्टोरेज विच हैंडल्स डाटा रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसर बाय फैचिंग डाटा फ्रॉम अ सेविंग डाटा टू सेकेंडरी स्टोरेज इज कॉल्ड। ठीक है, द स्टोरेज इज हैंडल्स डाटा रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसर। जितनी भी स्टोरेज चाहिए होती है प्रोसेसिंग के लिए, बाय फैचिंग डाटा फ्रॉम अ सेविंग डाटा और टू सेकेंडरी स्टोरेज, जो भी डाटा फैच करना होता है सेकेंडरी स्टोरेज से, उसे क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी में बोला जाता है, प्राइमरी स्टोरेज, वोलेटाइल स्टोरेज बोला जाता है, या रैंडम एक्सेस में। मेमोरी दो टाइप की होती है, ये आपको तो पता ही होगा। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाता है ऑल ऑफ देम। इन सभी मेमोरी से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो एक होती है मेन मेमोरी, एक होती है सेकेंड मेमोरी। मेन मेमोरी होती है रैम, जिसमें टेम्परेरीली हमारा डाटा सेव होता है फटाफट से, लेकिन अगर आप रीबूट करते हैं रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को, तो वो सारा डाटा आपका अगर सेव नहीं किया तो वो उड़ जाता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज, जो कि आपके हार्ड डिस्क वगैरह, एसडी कार्ड, जो कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर अगर आप सेव करते हैं तो चीज़ें वहाँ जाकर सेव होती हैं। तो मेन मेमोरी डैश डाटा आफ्टर पावर ऑफ। मेन मेमोरी में क्या होता है? रिटेन होता है, रिमेंबर्स होता है, डज नॉट कीप होता है, या कीप्स ऑल होता है। मेन मेमोरी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कि डज नॉट कीप डाटा आफ्टर पावर ऑफ। पावर ऑफ कर देंगे तो आपका मेन मेमोरी में डाटा कोई भी नहीं बचता, वो फ्रेश हो जाती है। ठीक है, सिंस मेन मेमोरी लूजेज डाटा आफ्टर पावर ऑफ, इट इज़ कॉल्ड। अगर मेन मेमोरी का डाटा चला जाता है पावर ऑफ करने के बाद, तो इसे क्या कहा जाता है? इस मेमोरी को कहा जाता है वॉलेटाइल स्टोरेज। ठीक है जी, अगला सवाल है, रैम इज़ एक्सपेंडेड है। रैम की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRM। ये भी रैम ही है, तो इसकी फुल फॉर्म, मतलब रैम की अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, तो SRM किसके लिए स्टैंड करती है? ये होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये भी रैम है। DRAM की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इन सब की अपनी अलग अलग थोड़ी खासियत होती है, थोड़ी मतलब अपडेट होती गई टाइम के साथ, तो नाम थोड़े चेंज होते गए, और कुछ नहीं है बस। अगला सवाल है यहाँ, FPM, DRAM स्टैंड्स फॉर। ठीक है, FPM तो ये स्टैंड करता है फास्ट पेज मोड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला सवाल है यहाँ आपका, EDO, DRAM stands for। ये सारी RAMs हैं, इसमें ज़्यादा आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फुल फॉर्म होती है, एक बार बस नज़र डाल लीजिए, आपको याद हो जाएगा, एक्सटेंडेड डाटा आउट डायनमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वही चीज़ चल रही है, थोड़ा आगे ऐड होता जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। SDRAM stands for, ये किसके लिए होती है? सिंक्रोनस डायनमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको ये बोला जाता है। DDR SDRAM किसको बोला जाता है? ये होती है डबल डाटा रेट सिंक्रोनिज्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सवाल है, RDRAM किसको बोला जाता है? RDRAM होती है रैमबस रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, VRAM क्या होती है? अगला सवाल है, VRAM की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, MPDRAM क्या होती है? जैसे DRAM हमें पता है, MP हमें सिर्फ पढ़ना है, तो होती है मल्टी पोर्ट, इसमें बहुत ज़्यादा पोर्ट्स लगे होते हैं, तो मल्टी पोर्ट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, SGRAM स्टैंड्स फॉर, ये होती है सिंक्रोनस ग्राफिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ग्राफिक आ जाता है, सिंक्रोनस ग्राफिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगला सवाल है इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर द बोर्ड कंटेनिंग माइक्रोप्रोसेसर रैम एंड अदर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। डेस्कटॉप कंप्यूटर में बोर्ड, जिस बोर्ड में माइक्रोप्रोसेसर, रैम वगैरह ये सब लगी होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, CMOS इन मदरबोर्ड इज एक्सपेंडेड। CMOS की फुल फॉर्म पूछी गई है, बेसिकली तो होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, CMOS इज अ टाइप ऑफ रैम विच इज़ कॉन्स्टेंटली पावर्ड बाय
CMS एक रैम का टाइप होता है जो किसके द्वारा इसको पावर दी जाती है, तो CMS की खुद की एक बैटरी लगाई जाती है अलग से जो CMS को पावर देती है। ठीक है, इन मदरबोर्ड BIOS इज एक्सपेंडेड। BIOS बहुत ही मेन वो है, कंपोनेंट है, इसको बोला जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसके थ्रू ही हमारी चीज़ें अंदर जाती हैं, सॉल्व होके क्वेरीज जो होती हैं वो बाहर हमें मिलती है। फिर इन मदरबोर्ड CNR स्टैंड्स फॉर, मदरबोर्ड में जो CNR लगा होता है वो किसके, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क राइजर। ठीक है, कम्युनिकेशन और नेटवर्क के लिए ही लगाया जाता है। इन मदरबोर्ड AGP स्टैंड फॉर, मदरबोर्ड में AGP किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ये करता है एक्लेरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट के लिए। ठीक है, एक्लेरिक ग्राफिक पोर्ट्स। इन मदरबोर्ड PATA स्टैंड्स फॉर, PATA किसके लिए स्टैंड्स करता है मदरबोर्ड में, तो ये होती है पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, अगला है इन मदरबोर्ड SATA स्टैंड्स फॉर, ये सब SATA PATA ये सब ना आपके रैम के ही अलग अलग टाइप है। ठीक है, तो सिंक्रोनस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला सवाल है इन मदरबोर्ड डैश चिपसेट टेक्स केयर ऑफ डाटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द प्रोसेसर। ठीक है, कौन सा मदरबोर्ड में चिपसेट जो होता है वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए काम करता है, ये होता है नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, एक होता है नॉर्थ ब्रिज और एक होता है आपका साउथ ब्रिज। ठीक है, मैं बताती हूँ साउथ ब्रिज क्या करता है। नॉर्थ ब्रिज जो करता है ये आपके डाटा को संभाल के रखता है और ट्रांसफ़र करने में मदद करता है प्रोसेसर तक। ठीक है, इन मदरबोर्ड डैश चिपसेट टेक्स केयर ऑफ डाटा ट्रांसफ़र टू फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क DCD DVD वगैरह, तो ये करता है साउथ ब्रिज ये काम। ठीक है, जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से डाटा ट्रांसफ़र करे और उसको संभाल के रखे चिपसेट तक, यानी कि आपके माइक्रोप्रोसेसर वगैरह तक पहुँचाए। तो यहाँ ख़त्म हो जाते हैं इसके सवाल और अगला शुरू होता है सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। ठीक है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आपको कुछ जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।